उन्होंने खुद एतराफ किया जावेद चौधरी साहब से और फिर आफ्ताब इकबाल साहब से गुफ्तगू में, और उन्होंने तीन चार बड़ी बातें की। तो मईशत जो है वो इनके साथ अच्छी नहीं चल रही थी, मईशत 9 महीने पहले कहाँ थी, और अब हम पूछे बाजवा साहब से कि अब कहाँ है, बताइए मईशत कैसी चला रहे हैं। आज इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के खिलाफ उनके अपने एतराफात, हमने नहीं कहा, उन्होंने खुद एतराफ किया जावेद चौधरी साहब से और फिर आफ्ताब इकबाल साहब से गुफ्तगू में, और उन्होंने तीन चार बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज इसलिए करनी पड़ी कि बैन अल-अक़वामी कुव्वतें हमारे खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि मैं फोन टैप करवा रहा था, प्राइम मिनिस्टर के फोन टैप कर रहा था, उसके साथ उन्होंने कहा इनको मईशत जो है वो इनके साथ अच्छी नहीं चल रही थी, मईशत 9 महीने पहले कहाँ थी, और अब हम पूछे बाजवा साहब से कि अब कहाँ है, बताइए मईशत कैसी चला रहे हैं। अब ये इन एतराफात के बाद सदर ममलिकत जो पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो तहकीकात का हुक्म करें और पाकिस्तान के अवाम के सामने रजीम चेंज की जो मुहर्रकात हैं, जो वैसे तो हमें मालूम है, लेकिन एक बाकायदा तहकीकात के नतीजे में वो मुहर्रकात पाकिस्तान के अवाम के सामने आने चाहिए। और सदर ममलिकत से हमारी दरख्वास्त ये भी है कि वो इसके ऊपर एक कमीशन कायम करने का हुक्म दें जो सारे मामलात को सामने लेके आए। आज तो मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया, पहले कैप्टन सफदर ने मरियम नवाज की सियासत से ला ताल्लुकी का इजहार किया, मरियम नवाज ने अपने चचा की सियासत से ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया और कहती है मेरी हुकूमत नहीं है। सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए, सरकारी मुराद के लिए मरियम नवाज इस हुकूमत का हिस्सा है, बाकी हर मामले में वो कहती है मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। ये एक ऐसी हुकूमत है जो एक बड़े नाजुक आशियाने के ऊपर बैठी हुई है, ये ऐसे हरकतें ना करें कि जिससे इनकी सियासत जो पहले ही मुकम्मल खत्म हो चुकी है वो और गहरी जो है वो चली जाए। सो मेरी नजर में ये जो मुकदमे हैं इनको फौरी तौर के ऊपर वापस लिया जाए, खत्म किया जाए। दहशतगर्दी पाकिस्तान में बड़ा अहम मसला है। आप जब इंसदादे दहशतगर्दी के कानून को इस गैर संजीदगी से इस्तेमाल करते हैं, आप अपने टेररिज्म लॉज को कमजोर कर रहे हैं। 7 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का कह चुका है इस तरह के सियासी मुकदमों में एंटी टेररिज्म जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की परवाह नहीं की जा रही। इसी कोर्ट ने मेरी हाजिरी का हुक्म दिया था अपने पास, वो कोर्ट का फैसला SHO इस्लामाबाद ने जूते की नोक पे रखा, इंप्लीमेंट नहीं किया। शेख रशीद को इस्लामाबाद कोर्ट ने बेल दी, उनको दूसरे केस में डाल दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा आप इलेक्शन कराएं इस्लामाबाद में, इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हुई। जो दिल करता है वो फैसला इंप्लीमेंट होता है, जो दिल नहीं करता वो फैसला इंप्लीमेंट नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट कह चुकी है 90 दिनों में इलेक्शन कराएं और अभी तक उसके ऊपर कोई नहीं हो रहा। अजहर सदीक मेरे ख्याल को 13 पटिशन जो है उसमें कर चुके हैं, कोई वहां पे अमल नहीं हो रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वाजे किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, आइन वाजे है, आप पाकिस्तान में जो फॉर्मल मार्शल लॉ लगाना चाहती है ये हुकूमत, फॉर्मल मार्शल लॉ लगा ले। पाकिस्तान के आइन को तो आप वैसे ही जो है कर दिया है, ताकि हमें हम बहरहाल एक भरपूर आइन बहाली तहरीक के लिए तैयार हैं। वकला उसमें हमारा हरावल दस्ता होंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में हम एक ऐसी तहरीक चलाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और आइन अपनी सही शक्ल में आएगा।